अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसटाम नॉलेज और आज का हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ का फ़िक्का सबसे पहले मीनिंग और इम्पोर्टेंस फ़िक्का की देखते हैं आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे फिक्का द वर्ड फ़िक्का मीनज अंडरस्टैंडिंग फिक्का आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ फ़िलासफी ऑफ इस्लामिक लॉ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ़ द कुरान एंड ट्रेडिशन ऑफ़ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्ला वम दैट इज़ हदीस फ़िका का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग समझना किसी बात को डीपली किसी चीज़ को समझना उसके बारे में ज़्यादा इल्म होना फ़िका को थेरी ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है जो इस्लामिक ला की फ़िलासफ़ी करता है उसकी थेरी को फ़िका कहा जाता है जो कि बेसड होती हैं टीचिंग्स आफ कुरान पर या ट्रेडिशनस पे नबी वम के जो हदीस हैं मीनस की जो कुरान को जो अच्छे से पढ़ता है और जो हदीस अच्छे से पढ़ता है जिसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है ज़्यादा नॉलेज होती है कुरान की या हदीस की उसको हम कहेंगे कि ये फि फ़ाकिया है फाकिया फ़िका ओके नाउ इम्पॉर्टेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िका लाइज इन द फैक्ट दैट इट स्ट्रैथन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफ अल्लाह एज़ वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट हैज़ बीन रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम फ़िका की इम्पॉर्टेंस ये है कि फ़िक्का के जरिए अच्छी नॉलेज अच्छी प्रॉपर नॉलेज और विजडम के ज़रिए अल्लाह के आर्डर्स को एक इंसान में समझने में आसानी हो सकती है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रवील किया गया नाजिल हुआ दैट इज़ कुरान उसको समझना आसान होता है एक इंसान के लिए जो फ़िका हो मीनस कि जिसके पास नॉलेज हो जिसने अच्छे से पढ़ा हो परखा हो इट्स इम्पॉर्टेंस आल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट दैट देंट पर्सन हैज़ फॉर फ़िक्का एंड नीट सिमिलर टू वट ही हैज़ फॉर फूड एयर एंड वाटर फ़िके की ये भी एक इम्पॉटेंस है कि एक जवान लड़का या चाहे लड़की हो उसको फ़िके की इतनी इम्पॉटेंस है इतनी ज़रूरत है कि जैसे उस जितनी इम्पॉटेंस उसको फ़ूड की होती है वाटर की होती है एयर की होती है जैसे इन तीनों चीज़ों के बग़ैर ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इनके बगैर एक इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता इसी तरह इंपॉटेंस है फ़िके की एक इंसान के लिए इस्लाम को मेनली समझने के लिए अल्लाह सेज़ वट मस सो नो ओ मोहम्मद दैट देयर इज़ नो डटी एक्सेप्ट अल्लाह एंड आस्क फारस फॉर यूर सिन अल्लाह कहता है कि जिसका यह मतलब है अल्लाह ने तो वह तो रिवील हुआ है अरबी में लेकिन इसका मतलब यह है कि ओ मोहम्मद दैट देर इज़ नो डायटी एक्सेप्ट अल्लाह अल्लाह के बगैर कोई महूद नहीं है कोई इबादत के लायक नहीं है एंड आस्क फारस फॉर योर सिन और उसी से अपनी गलती की माफ़ी मांगो लर्निंग फिक्का इन रिलीजन इज़ टू नो अल्लाह विद हज़ गुड नाफिजर्स एंड टू नो हज़ रिलीजन एंड शरिया फिक्का लर्न करना फिक्का समझना सीखना रिलिजन में इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक वताल को अच्छे नामों से अच्छे एट्रीब्यूट से अच्छे एक्शन से मीन की इबादत जिसको हम कहेंगे या नबी सल्ला वसलम को बाकी मैसेंजर जो हैं बाकी जो पैगम्बर हैं इन सब के बारे में नॉलेज रखना इन सब के बारे में अच्छे से जानना और रिलीजन को समझना दीन को समझना और शरिया को समझना इसको फ़िका कहते हैं मोर फ़िका एलस्ट्रेट्स द रूल्स कंडीशन एंड ऐशूज़ पर ट्रेनिंग टू द डेली लाइफ ऑफ ए मुस्लिम एंड विच मुस्लिम नीड्स इन ऑल कंडीशन और इसके अलावा फ़िका हमें ये वो रूल्स वो कंडीशन इलस्ट्रेट करता है जो हमें जो सारे मुस्लिम को डेली लाइफ में ज़रूरत किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में पड़ सकते हैं The Prophet Muhammad peace be upon him said, if Allah wills to bestow someone with special virtue, He makes him a faqih, knowledgeable of the religion. Bukhari and Muslim और नबी अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी को एक स्पेशल virtue देना चाहे मतलब एक मतलब एक आला standard सोसाइटी के अंदर या इज़्ज़त हम कहेंगे एक आला मकाम देना चाहे तो उसको वो faqih बनाता है उसको वो knowledgeable बनाता है रिलीजन का knowledgeable बनाता है यानि कि उसको दीन का इलम देता है फरहम करता है ये बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में दोनों किताबों में हदीस दर्ज है दिस हदीस क्लियरली टेल्स दैट द पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ फ़िका ही इज़ द बिलाउड पर्सन ऑफ अल्लाह वट मोर दैन दैट शुड ए मुस्लिम वांट और इस हदीस से ये क्लियर है यह हदीस हमें साफ़ तौर पर बता रहे हैं कि एक शख्स जिसे नॉलेज हो इम हो फ़िका का इस्लाम का दीन का वो इंसान अल्लाह का प्यारा इंसान होता है ठीक है बिलाउड वन तो इससे ज़्यादा एक मुस्लिम को क्या चाहिए अल्लाह जो अल्लाह का प्यारा होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी प्यारा होगा और वो हर किसी का फेवरेट वन प्यारा होगा तो इससे ज़्यादा एक मुस्लिम को कुछ भी नहीं चाहिए दैट्स ऑल अबाउट मीनिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थैंक यू